दिनचर्या संहिता 1973 धारा 190 सहपठित धारा 397 यदि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को धारा 190 के अधीन अस्वीकार करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश सकारण न होने के कारण सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण में अपास्त कर दिया जाए तो भी मजिस्ट्रेट समुचित मामले में अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए मामले का संज्ञान सकारण आदेश द्वारा कर सकता है। विराम पैरा आवेदकों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 143, 435 और 436 के अधीन प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विराम पुलिस ने अन्वेषणोपरांत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। विराम अंतिम रिपोर्ट स्वीकृति हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई। विराम प्रथम इतिला रिपोर्ट ने इस आधार पर आक्षेप फाइल किया कि पुलिस ने मामले का समुचित अन्वेषण नहीं किया था। विराम मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार कर दी किंतु उसने इस संबंध में कारण अभिलिखित नहीं किए और मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान कर लिया। विराम आवेदक ने सेशन न्यायालय के समक्ष दो पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किए। विराम सेशन न्यायाधीश ने पुनरीक्षण पिटीशन मंजूर नहीं किए और एकमात्र इस आधार पर मजिस्ट्रेट का आदेश अभिखंडित कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार करने और दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 190 के अधीन मामले का संज्ञान करने के लिए कारण अभिलिखित नहीं किए थे। विराम तत्पश्चात मजिस्ट्रेट ने सकारण आदेश अभिलिखित किया और अभियुक्त व्यक्तियों का समन किया। विराम इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया किंतु वे असफल रहे। विराम सेशन न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरुद्ध ही आवेदक ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन फाइल किया। विराम पैरा यदि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को धारा 190 के अधीन अस्वीकार करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश सकारण न होने के कारण सेशन न्यायाधीश द्वारा धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण में अपास्त कर दिया जाए तो भी मजिस्ट्रेट समुचित मामले में अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए मामले का संज्ञान सकारण आदेश द्वारा कर सकता है। विराम प्रस्तुत मामले में सेशन न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को ठीक ही अभिखंडित कर दिया क्योंकि मजिस्ट्रेट के अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार करने और मामले का संज्ञान करने के लिए कारण नहीं बताए गए थे। विराम इसका अर्थ यह हुआ कि मजिस्ट्रेट ने मात्र संक्षिप्त आदेश को पारित किया था। विराम स्पष्टतः ऐसा आदेश प्रभावी नहीं रहने दिया जा सकता है। विराम अतः आदेश को अपास्त करना पड़ा। विराम किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर कोई अन्य आदेश पारित नहीं कर सकते थे। विराम जैसे ही आदेश अभिखंडित कर दिया गया पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पुनः अस्तित्व में आ गई। विराम अतः मजिस्ट्रेट के लिए उसे स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए आदेश पारित करना आवश्यक था। विराम ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट अस्वीकार करने के लिए कारण अभिलिखित कर सकते थे और ऐसा करने में वह मामले का संज्ञान करने का आदेश पारित कर सकते थे। विराम
इन परिस्थितियों में यह कहना सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के विनिश्चय पर अपना निर्णय दे रहे थे, बल्कि यह कहना उचित हो सकता है कि मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। विराम, सेशन न्यायाधीश द्वारा आदेश के अपास्त किए जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य था कि वह अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते या उसे अस्वीकार कर देते। विराम, स्टॉप।